ज्योति, उसका एड्रेस लिखो। हाँ ओके ओके। एक घंटे में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी और तुम तुम्हारा कोई वो ऑफिस का कोई बॉय हो या कोई आदमी हो उसको भेज देना, ठीक है? मुझे जरा ये बताओ कि कौन पैसे लेने के लिए आएगा? विजय नाम का एक आदमी आएगा वहाँ पे। विजय नाम का आदमी आएगा? नमस्ते, मैं विजय। मैं आपका ही वेट कर रही थी। क्यों मिस्टर विजय और राकेश सिटी बज गई ना आपकी सिटी? अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मैंने पूछा। अब कहाँ भागेगा तू? तेरा साथी भी पकड़ा गया है। शिंदे, घूम ये। सब 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 सब। अरे इकड़े, कुत्ते पड़ता है इकड़े। अब पता चला हम गोकुलधाम सोसाइटी की लेडीज से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे हम इनसे जल्द से जल्द रिकवर करके आपको लौटा देंगे। वैसे आप लोगों ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। आप लोगों ने अकेले ही अपने बलबूते पर उस चीटर को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे आप सभी पर गर्व है। बस माता जी की कृपा से सब ठीक हो गया, थैंक यू। लेकिन घर ठीक नहीं है, ये घर की साफ सफाई करने के लिए मैडम मोना नहीं आने वाले हैं। दया टुप्पू के पापा गड़े, आपको ही ये सब करना पड़ेगा। ओह, अभी तो कपड़े धोने हैं, रसोई बनानी है, घर की साफ सफाई करनी है, जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी। फाइन बेटी फाइन। हाँ हेलो। हाँ हेलो दया। हाँ कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं यानी कौन मैं? अरे मैं यानी वो जिनके साथ आपने अग्नि को साक्षी मानते हुए साथ फेरे लिए है। मैं यानी वो जो आपके टप्पू का पापा है, और मैं यानी वो जिनका नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। पहचाना? ओह अच्छा अच्छा, आप बोल रहे हैं। हाँ जी। बोलिए बोलिए। अरे क्या बोलिए, क्या हुआ अचानक आज मेरी आवाज क्यों नहीं पहचानी? अरे आप खांसी खाते खाते बात करेंगे तो मैं आपकी आवाज कैसे पहचानूंगी? हाँ आप रोज खांसी खाते खाते बात करेंगे तो मैं आपकी आवाज जरूर पहचान जाती। अरे भाई जानबूझ के खांसी थोड़ी खाई, खांसी आई तो खाई। हाँ तो मैंने भी जानबूझ के आपकी आवाज नहीं पहचानी, ऐसा नहीं। आपने खांसी खाई इसलिए आपकी आवाज पहचान में नहीं आई। ओ खांसी की रानी, बस कर भाई। नहीं होना, थोड़ा मुझे दो मिनट, मन में मन में मेरे मन में शेक। अभी तो कुछ मत बोल, जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ सुन। ठीक है सुनाई मतलब सुनाइए। दया अभी मैंने तुझे फोन इसलिए किया है कि जबरदस्त भूख लग रही है तो मैं दुकान से जल्दी कर आ जाऊंगा, तो आज तो कुछ मस्त बढ़िया खाना बनाना प्लीज। अरे टप्पू के पापा आज आप घर पे तो आई, मैं ऐसा खाना बनाई कि आप खाते खाते आपकी उंगलियां भी चाट जाई। ओ दया माई मुझ पे थोड़ी दया खाई। ओके बाई। चलो चलो काम में झपाटा बुलाना पड़ेगा। माता जी राखे सोने हेम खेम थे, मरा संसार नी गाड़ी चले प्रेम थे प्रेम थे, बाधाना घर में रहे सुख शांति सुख शांति, बधानी वो बनावे रसोई प्रेम की, रसोई प्रेम
मुठी, हे मुखे मुठी। आज तो ऐसी रस्सी बनाऊंगी ना कि टप्पू के पापा उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज तो खाना बनाने में बहुत लेट हो गया। टप्पू के पापा आते ही खाओ खाओ करेंगे। मम्मी बहुत भूख लगी, और कितनी देर? हाँ दीका, बस 5 मिनट। तू जा जाकर बापूजी को बुला करा, जैसे ही तुम्हारे पापा आएंगे ना सब लोग फटक से खाना खाने बैठ जाना। हाँ ठीक है ठीक है। अरे क्या कर रहा है टप्पू, जरा देख के चला कर। अरे पापा मैं तो देख कर ही चल रहा था, आप ही अचानक आ गए। मैं अचानक आ गया? मैं अचानक नहीं आया, तू अचानक घुमा ऐसे। सॉरी सॉरी बाबूजी सॉरी, आपको लगा तो नहीं? क्या कर रहा है बाबूजी? ये टप्पू अभी मुझसे ऐसे ही टकरा है। तो टप्पू का बदला मुझसे ले रहा है? नहीं नहीं, देख तेरी वजह से मुझसे बाबूजी को लग गया। शांति शांति टप्पू के पापा, गरम होने के बजाय आप गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। लेकिन मम्मी खाना कहाँ है? अब मैं अभी लेकर आ रही हूँ, आप लोग बैठिए ना। चल भाई खाना खा लेते। बाबूजी आप बैठे हैं, मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे? अरे हाँ सॉरी, वो धक्का लगा उसमें सब हिल गया। वाह वाह दे, आज तो तूने एकदम मलमल जैसी मुलायम खिचड़ी और दूध पाक जैसी कढ़ी बनाई है। और जेठिया साथ में ये बाजरे का रोटला और घी घोल खाने का तो मजा ही कुछ और है। तो जबरदस्त सब कुछ, माइंड ब्लोइंग है। वो क्या है, कुछ दिन पहले जलाराम बापा की जयंती थी ना, तो बाजू की सुमति सोसाइटी में मैं कड़ी खिचड़ी का प्रसाद खाकर आई थी। और वो प्रसाद इतना स्वादिष्ट था कि बात ही मत पूछो। तो मैंने सोचा कि आज मैं वैसे ही सेम टू सेम कड़ी खिचड़ी बनाने की कोशिश करती हूँ। बराबर बनी है ना? अरे जलसा पड़ जाए ऐसा टेसड़ा है। अरे बापू जी, आपको दया के नए पराक्रम के बारे में पता चला कि नहीं? टप्पू के पापा ये क्या बोल रहे आप? मैंने कोई पराक्रम नहीं किया है। अबे रेवा दे, मैं अभी आ रहा था तो नीचे मुझे भीड़े मिला बापू जी। उसने तुम्हारी महिला मंडल की किटी पार्टी में पिछले 2 दिन में क्या क्या कारनामे हुए और तूने क्या क्या गुल खिलाए वो सब बताया। टप्पू के पापा, बापू जी मैं आपको ये सब बताने ही वाली थी और माफी भी मांगने वाली थी। माफी मांगने वाली थी? ऐसा क्या हो गया? वो हम लेडीज लोग। एक मिनट दया, तो चुप रहे, मैं बापूजी को बताऊंगा। बापूजी गोकुलधाम सोसाइटी के महिलाओं ने किटी पार्टी रखी, उसमें क्या हुआ के... हाँ तो आज की मीटिंग में ये तय रहा कि किटी पार्टी के रुपए से सोने का हार खरीदेंगे। मैं सुंदर भाई का दोस्त राकेश सिटी। तो राकेश भाई, हमें ये 6.5 तोले का सेट पसंद है। सब काट कर जोड़ कर इस सेट का भाव होता है 1,57,950। तो तय रहा किसी अच्छे प्रसंग पर हम ये सेट का उद्घाटन करेंगे। सुंदर का दोस्त अहमदाबाद से आया है। राकेश सिटी? नहीं मैना, पूरे अहमदाबाद में मेरा एक ही दोस्त है जिसका नाम राकेश सिटी है। वो चीटर राकेश को और वेटर को हमारी जाल में फंसाने के लिए मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हाँ हाँ दया भाभी, आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी के अभी अपने लंच का बुकिंग उसी होटल में करा देती हूँ। पूनम तुम मेरे फ्रेंड है ज्योति, उसका एड्रेस लिखो, 1 घंटे में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। और तुम, तुम्हारा कोई वो ऑफिस का कोई बॉय हो या कोई आदमी हो उसको भेज देना, ठीक है? लेकिन आप बात तो सुनिए साहब। अच्छी तरह। वाह बहु वाह, तुम महिलाओं ने तो एकदम हिम्मत का काम किया है। थैंक यू बापू जी, वो हम सब लेडीज लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर वो बदमाश हमें बेवकूफ बनाकर चला गया। वो बात से हम सब लेडीज को बहुत बुरा लगा, और हम अगर सबको बता देते तो पूरी सोसाइटी में हम सब लेडीज हंसी के पात्र हो जाती। इस डर से ये बात हम सब लेडीज ने सबसे छुपाई, लेकिन माता जी के आशीर्वाद से उनकी कृपा से हम सब लेडीज ने मिलकर उस बदमाश को पकड़ कर हमारे 1,60,000 रुपए हमने हासिल कर ही लिया। थैंक यू माता जी।
क्यों? लेकिन बहू, तुझे किसने कह दिया कि तू हंसी के पात्र बन जाती? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा बाबूजी। और कहना भी मत, और कहने का सोचना भी मत। अरे औरतों की भक्ति शक्ति और युक्ति हमेशा पुरुषों से आगे रही है, समझा? बिल्कुल सही कहा बाबूजी आपने। तो फिर बहू पे गुस्सा क्यों हो रहा था? नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा था, मैं तो गुस्सा होने का नाटक कर रहा था। बाकी मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। सच में दया, तुम औरतों ने एकजुट होकर CID की तरह जाल बिछा कर उस नकली राकेश सिटी को पकड़वा कर वाकई में बहुत बढ़िया काम किया। वरना वो चीटर न जाने कितनी लेडीजों की बातें सुन सुन कर उनको बेवकूफ बना के लूटता रहता। बिल्कुल सही कहा चीटिया तूने। इसीलिए हमें कभी भी सार्वजनिक जगहों पे ऐसी जानकारी नहीं देनी चाहिए जिसका फायदा उठाकर बदमाश लोग हमें नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। अभी देखिए ना, आजकल के बच्चे सब कुछ कंप्यूटर में लिखते हैं। आज मैं यहाँ गया था, कल मैं वहाँ जाने वाला हूँ, परसों भरगांव जाने वाला हूँ, घर पे कोई नहीं है। अभी बदमाश चोर लोग ये सब पढ़ के वही घर में जाके सब साफ सुफ करके लूट लेते हैं। रास्ता आसान। ये तो एकदम सही कहा जेठिया तूने। अरे आजकल लोगों को ये सब बातें समझनी चाहिए। तो टप्पू बेटा, तू भी ये सब याद रखना है। जी दादाजी। लेकिन जेठिया, ये कंप्यूटर की सारी बातें तुझे कैसे पता? वो बाबूजी, मैं मार्केट में घूमता रहता हूँ ना, तो दोस्तों से बातें करते करते सब पता चलता है। टप्पू के पापा, आप मार्केट में बाद में घूमना, पहले खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ। अरे दया, तू भी खाना खाने बैठ जाने। टप्पू के पापा, आप लोगों के लिए खाना बनाते वक्त ही मेरा आधा पेट भर जाता है और आधा पेट आप लोगों को खाते देख कर भर जाता है। आप लोग खाइए ना, मैं बाद में खा लूंगी। अंजलि, मैं आता हूँ, जरा सोडा पी के। हाय रे मेरी किस्मत, पत्नी पति के लिए इतना प्यार से, इतनी मेहनत से खाना बनाती है और पति खाना खाते ही चल दिए अपने दोस्तों से मिलने। अंजलि, दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ भाई, उनके पास बसने थोड़ी जा रहा हूँ, और मिलके लौटूंगा तो तुम्हारे पास ही ना। बस यूं गया और यूं आया। अच्छा जी, रुकिए, आपको पता है डिनर तभी कंप्लीट माना जाता है जब पति मुखवास में पत्नी से दो बातें सुने। कितनी स्वीट बातें करती है ना अंजलि। कई बार तो तुम इतना मीठा बोलती हो ना कि समंदर भी सुन ले ना तो मीठा हो जाए। और एक्चुअली मैं तुम्हारी ज्यादा बातें इसीलिए नहीं सुनता हूं क्योंकि मुझे डायबिटीज ना हो जाए। बेकार की बातें करते हैं आप। मेरे पास बैठने के लिए दो पल टाइम नहीं है आपके पास। इतना सारा हमने आज किया और दो शब्द तारीफ के नहीं। अंजलि, तुम्हारी तारीफ क्या मैं शब्दों में करूंगा? अरे मेरी अंजलि की तारीफ तो मेरे दिल की हर धड़कन करती है। जरा ध्यान से सुनो, हर धड़कन से ढक ढक की आवाज नहीं आ रही, अंजलि अंजलि की आवाज आ रही है। और सच पूछो तो सोडा शॉप पे भी मैं तुम्हारी तारीफ करने जा रहा हूँ। अच्छा? वहाँ जाके सबको बताऊंगा भाई महिलाओं ने क्या कमाल किया, कैसे उस स्टॉट और चीटर को पकड़ लिया, तो सबको पता चलेगा कि भाई हमारी महिलाएं कितनी शक्तिशाली है। बाहर जाने का बहुत अच्छा बहाना है। अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो आप कहीं नहीं जाएंगे। अंजलि मेरी जान, तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ इसीलिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। मतलब देखो, जो भी पति अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता है उसे थोड़ी देर के लिए दूर जाना चाहिए। ये कौन सा नया तर्क है? तर्क नहीं अंजलि, सच्चाई है। देखो, जो भी पति अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता है वो क्या चाहता है कि इस जन्म नहीं अगले 7 जन्म तक यही पत्नी मिले। और भाई अगर अगले 7 जन्मों का प्यार इसी जन्म में कर लिया तो अगले जन्म में क्या करेंगे? हाँ, तो सारा प्यार एक जन्म में तो हो नहीं सकता ना, इसलिए हर थोड़ी देर में पत्नी से दूर चले जाना चाहिए ताकि प्यार का कोटा अगले जन्म के लिए बच जाए। आया समझ में? हाँ आ गया समझ में। क्या आपको सोडा शॉप पे जाना है? जाइए, मैं मजाक कर रही थी। हाय, आपकी इन्हीं अदाओं पे तो हम जान छिड़कते हैं। अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम सोडा शॉप पे चले जाएं। मल्लिका ए मेहता, इजाजत है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। भाई ये बात तो 24 कैरेट सोने की तरह साफ हो गई है कि औरत अगर अपनी जिद पे आ जाए तो फिर किसी का भी मुकाबला कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट का मेहता साहब आपने। लेडीज की ममता टाइम आने पर काली माता का भी रूप ले सकती है, और खास करके अगर वो लेडीज गोकुलम सोसाइटी की हो तो उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता।
सही बात है। आज बापूजी ने भी खाना खाते वक्त बहुत बढ़िया बात की। वो कह रहे थे कि भाई औरतों की शक्ति भक्ति और युक्ति हमेशा पुरुषों से आगे रही है। क्या बात है यार, चाचा जी ने क्या बढ़िया बात कही, भक्ति शक्ति और युक्ति, वाह वाह। दोस्तों इसीलिए तो कहते हैं कि औरतों के बिना घर संसार दुनिया सब अधूरा है, सब। और मैं भी बोल ले, बरोबर बोल ले। पोपटलाल के सामने औरतों की बात करना तो नामुमकिन सा हो गया। एक्चुअली मतलब औरत का नाम आते ही ये पता नहीं दूसरे सुर में शुरू हो जाता है। ओए पप्पू, ओए तू तो इमोशनल हो गया यार। ओए झटका अपना इमोशनल और पटका अपना रोना। ओए अब्दुल अपना अपने पप्पू के लेके जबरदस्त फर्स्ट क्लास छोटा और वो भी डबल नींबू नहीं छोड़ के। सॉरी सॉरी भाई, मैं डबल नींबू नहीं डाल सकता हूँ। वो क्यों? नींबू बहुत महंगा हो गया आजकल, 10 रुपए का 3 नींबू मिलने लग गया है। बात तो बिल्कुल सही गई तूने अब्दुल। अरे नींबू तो नींबू, अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि 2 रोज पहले नमक 200 और 300 रुपए किलो बिका है। और नींबू क्या अब्दुल, सारी सब्जियों के भाव कितने बढ़ गए? नहीं तो गए। अरे टमाटर आलू तो फिर भी ठीक है, लेकिन कांदे के भाव मार्केट में आग लगा रहे। आग लेकिन समझ में नहीं आता ये कांदे का भाव इतना बढ़ क्यों रहा है। पहले लोग कहते थे बारिश के बाद भाव कम हो जाएंगे, फिर कहने लगे दिवाली के बाद कम हो जाएंगे, पता नहीं। और फिर भी कांदे के भाव तो फुल स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। बात है। और अभी दिवाली में हमारे व्यापारी भाई ने ड्राई फ्रूट की जगह पे 1-1 किलो कांदा बांट के दिवाली मनाई। बोलो क्या बात कर रहे हो। हाँ इसका मतलब इस बार उन्होंने ड्राई फ्रूट की जगह क्राई फ्रूट भेजा। भाई इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कांदे भी नींबू की तरह पर पीस बेचे जाएंगे। खरा है बाबा खरा है। अरे कैसे जिएगा मिडिल क्लास आदमी। हाँ भाई ये महंगाई एक दिन मार डालेगी। कांदा हमको सस्ते रेट में मिले उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। अरे वाह, बोलो भाई जल्दी बोलो। क्या क्या बोलो? कि अगर जयरा लाल कांदे का बिजनेस शुरू करे तो हमको भी कांदा होलसेल में मिल सकता है ना। वाह। ओ क्या वाह क्या। और अय्यर भाई क्या कहना क्या चाहते हैं? मार्केट में जो भी चीज का भाव बढ़े उसका मैं होलसेल में धंधा चालू कर दूं? नहीं जयरा लाल, मैं तो मजाक कर रहा था। माफ करना लेकिन आपका मजाक एकदम ही गंदा था। अरे जेठालाल छोड़ो ना, बोल रहा ना मजाक कर रहा था। बैठो ना अभी यार, बैठो बैठो बैठो। क्या बैठो, पूरा मुड़ का सत्यानाश कर दिया। चलो मैं तो निकलता हूँ। अरे 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 मैं तो मजाक कर रहा था। अय्यर कांदे को लेकर मजाक नहीं है। सही बात है। इसी बात पे आज के सोडे का बिल अय्यर भाई की तरफ से। गोकुलधाम की स्त्रियों की बात ही कुछ और है। और वैसे कहा जाता है कि दुनिया की हर स्त्री में कुछ ना कुछ खास होता है, कुछ विशेष होता है। इसलिए दुनिया की हर स्त्री हर महिला को हम गोकुलधाम निवासियों की ओर से सलाम। और रही बात हम पुरुषों की, तो हम गोकुलधाम के पुरुष तो सोडा शॉप पे इकट्ठे हो जाते हैं। भाई सोडा पीना तो एक बहाना है, असल में कुछ क्षण कुछ पल अपने दोस्तों के साथ बिताना है। आप लोग भी जिस तरह से हम इकट्ठे होते हैं, आप लोग भी अपने बिल्डिंग के नीचे या किसी चौराहे पे या किसी चाय की दुकान पे इकट्ठे होते होंगे और चर्चाएं करते होंगे, कभी क्रिकेट की, कभी सिनेमा की, कभी राजनीति की, कभी बीवी की किटकिट की, कभी गिरते हुए रुपए की, कभी बढ़ती हुई महंगाई की। अब देखिए ना साहब, प्याज और नमक और टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई ये महंगाई का ग्राफ न बढ़े। अगर बढ़ना है तो हंसी ठाक और मनोरंजन का ग्राफ बढ़े और महंगाई का गिरे। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मनोरंजन का ग्राफ हमेशा बढ़ता ही रहेगा। जब सोमवार को आप हमसे मिलेंगे एक नए धमाल के साथ तो कहेंगे भाई वाह क्या बात है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।